राजधानी दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली इलाके का एक वीडियो सामने आया है। करोल बाग जो कि सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका माना जाता है, वहां तकरीबन 8 बजे कल शाम को एक फॉर्चुनर कार कई वाहनों को घसीटती हुई चली गई। इसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और वीडियो में पूरी घटना कैद हो गई है। हिमांशु नाम का एक युवक अपनी स्कूटी पर बैठा हुआ था, उस स्कूटी को टक्कर मारते हुए फॉर्चुनर कार लगातार एक के बाद एक 6 वाहनों को टक्कर मारती हुई चली गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। शुरुआती रिपोर्ट में बात सामने आई है कि एक रिक्शे वाले समेत कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से हिमांशु की हालत गंभीर बताई जा रही है और इस मामले में सुधीर जैन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सुधीर जैन और एक और शख्स फॉर्चुनर में बैठे शराब पी रहे थे और काफ़ी ज़्यादा नशे में धुत थे, ऐसा दावा किया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है शुरुआती रिपोर्ट में कि सुधीर जैन बीजेपी से जुड़ा हुआ है। हालांकि बीजेपी दिल्ली प्रवक्ता ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और ये कह दिया कि 2008-2009 में सुधीर जैन बीजेपी से जुड़ा था, अब उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली इलाके की अगर बात की जाए तो वहाँ पुलिस का बैरिगेडिंग भी अक्सर रहती है, लेकिन हैरानी की बात है कि अचानक ही नशे में धुत फॉर्चुनर कार चलाने वाला सुधीर जैन किस तरह एक के बाद एक कई वाहनों को ठोकता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो नशे पर लगाम है राजधानी दिल्ली में और ना ही तेज़ रफ्तार पर, इसके चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। करोल बाग में गलियां ज़्यादा चौड़ी नहीं हैं और वहां स्पेस कम रहता है, अदरवाइज इस दुर्घटना के चलते कई लोगों की जान जा सकती थी। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है। कार को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर ये कहा है कि घटना के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस के मुताबिक घटना करोल बाग के पद्म सिंह रोड पर कल रात तकरीबन 7:45 बजे के आसपास हुई थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।